प्लीज तो हाँ मतलब बोलिए अपनी मैं बात कहना कहिए। चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें ये बात करनी चाहिए कि हम डार्विन की थ्योरी को क्यों पढ़े, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत से लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो आगे बढ़ चुके हैं, उनका किसी कोर्स में ये आने वाला नहीं है और जनरल डिस्कशन में भी ये बात नहीं आती है, तो हम ये डार्विन की थ्योरी क्यों पढ़े, पहला तो मेरा ये प्रश्न है। तो इसी का उत्तर मैं मतलब खुद, हम लोगों के कुछ कोर बिलीव होते हैं, जैसे कि मैं भी खुद एक आरएसएस का मतलब विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा कट्टर हिंदू था, लेकिन जब उन हमारे जब कोर बिलीफ पे एक डाउट पड़ता है, तो जैसे कि हमारा जो ब्राह्मण पुराण है वो हमको ये बताता है कि सृष्टि कैसे बनी, तो उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर ने सबसे पहले जल की रचना की थी, जल में क्या कहते हैं एक अंड स्थापित हुआ, उस अंड के दो भाग हुए जिनसे एक भूलोक बना और एक परलोक बना, और उसके पश्चात उन्होंने जीवों की रचना करी। और जब हम डार्विन की थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये फंडामेंटली फ्लॉड है, मतलब ये जो ब्राह्मण पुराण में लिखा है ये गलत है। तो जब अगर ब्राह्मण पुराण में एक चीज गलत है तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा रिलीजन ही गलत हो। तो ये हम जब हमारे अंदर डाउट पड़ता है कि हाँ इसमें कुछ गलती है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा हमको पता चलता है कि उसमें कुछ फंडामेंटली फ्लॉड है, उसमें कुछ मौलिक रूप से गलत है, तो उसकी सारी बातें भी गलत हो सकती हैं। जैसे कि जब हमको ये पता चलता है कि ये बात गलत है, तो उसी में अगली लाइन ही यही है कि उन्होंने सात पुरोहित को बनाया जिसमें प्रजापति, वशिष्ठ और ऐसे लोगों का नाम है, तो हम कुछ कास्ट को ऊपर देखते हैं, हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमको लगता है ईश्वर ने ही उनको ऊपर ही बनाया गया है, लेकिन जब हम डार्विन को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, इतने हम लोग इतने स्पेशल नहीं है, हम अपने आप को जो जानवर हैं उनसे बहुत ऊंचा समझते हैं, जबकि हम भी एक प्रजाति ही हैं, उनकी तरह ही एक प्रजाति हैं, बस थोड़ा सा हमारा जो एवोल्यूशन है वो ज्यादा हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि जो धर्म का झूठ है वो हमको इफेक्ट बहुत करता है, हमको हर बात पे इफेक्ट करता है, जो जैसे कि हम आज तक हम जितना भी धर्म को पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि धर्म अज्ञानता में रहता है, जहां पे हमें अज्ञानता होती है हम वहां धर्म का सहारा लेते हैं, जैसे कि पहले हमको यह नहीं पता था कि बरसात कैसे होती है, तो हमने ये कह दिया कि ये तो इंद्र जी कराते हैं, तो हमको नहीं पता था कि इतनी स्पीसीज कैसे बनी है, तो हमने कह दिया कि ईश्वर ने सारी रचनाएं की हैं। तो जितना हम ज्ञान धीरे धीरे हासिल करते रहेंगे उतना ही जो धर्म का स्कोप है, जो धर्म का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा।